आई एम सर आज़म योर मैथ्स टीचर। आज आपको एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट वन का लेक्चर सेंड किया जाएगा। इसमें अंडरस्टैंडिंग करवाई जा रही है। मल्टीप्लाई के क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा आसान हैं, ठीक है। 5 upon 11 आप ऐसे लिखेंगे, बाई की जगह मल्टीप्लाई लिखेंगे, 2 कुछ कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि आप यूँ करके यूँ कैंसिल कर सकते हैं या यूँ करके यूँ कैंसिल कर सकते हैं। कोई चीज़ कैंसिल हो, किसी टेबल में कोई चीज़ नहीं आ रही, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई, तो 5 to the 10 हो जाएगा, 5 to the 10 हो जाएगा और 10 upon 11 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आसान सवाल था। अब हम 4 upon 12 है ये, पहले 4 1 upon 12 मल्टीप्लाई बाय 4 1 upon 14। तो पहले हम 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 2 the 8 और 4 1 the 4, तो 1 प्लस करेंगे तो 49 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 49 upon 12। फिर 4 को 14 से मल्टी 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 4 the 8 और 4 1 the 4 48, फिर 1 आ जाएगा। 12 को 4 से किया तो जब भी यही आ गया, देखो 49 आ जाएगा, ठीक है। 49 upon 14, ठीक है। सवाल दोबारा चेक कर लेते हैं। 14 को 12 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 और 1 प्लस कर लेते हैं, ठीक है आपके, ठीक है 14 प्लस कर लेते हैं। फिर हमने क्या किया, इसको भी ऐसे ही किया, ये इसके पास हमने 48 को हमने उससे मल्टीप्लाई किया, 14 को हमने 4 से मल्टीप्लाई 14 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो और फिर इसमें 4 4 16 होता है, सॉरी 4 4 क्या होता है 16, मैं गलत कर दिया, मैंने इसको प्लस कर दिया, 4 4 16, अब 1 कैरी गया तो 4 1 the 4 5 हो गया 56, और 56 में 1 प्लस किया तो 57 आ जाएगा। मैं यही कहूँ कि क्या हो गया, 57, ठीक है। 4 4 16 हो गया, 4 4 16, 4 1 the 4, फिर 1 कैरी प्लस हो गया 5, 56 हो गया, और उसमें 1 प्लस किया तो 57 हो गया, ठीक है 57 हो गया। अब हम इनको कैंसिल करेंगे कि ये किस टेबल में आ रहे हैं और किस टेबल में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे किस टेबल में ये आ रहे हैं और किस टेबल में ये नहीं आ रहे। अब हम देखेंगे कि ये किस किस टेबल में आ रहे, ये तो जाहिर सी बात है ये आ रहे हैं दोनों के दोनों 7 के टेबल में आ रहे हैं, 7 2 the 14, 7 2 the 14 और 7 7 the 49, 7 2 the 14 और 7 7 the 49, और ये आ रहे हैं 3 के टेबल में, 3 4 the 12, 3 1 the 3, 2 कैरी गया और 3 9 the 27, इस तरह ये आ रहा है। तो अब हम 4 को 2 से हो जाएगा, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 19 से और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये आंसर आएगा 4 2 the 8 और 19 को अब हम करेंगे मल्टीप्लाई 7 से, 19 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 7 9 का कितना होता है 63, 7 1 7 30 133 आ रहा है, क्या आ रहा है 133, ये आंसर हो गया। अब हम क्या करेंगे, 8 को और 133 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 8 8 1 8 53 बचेगा और 8 6 होता है 48, ठीक है। तो यहाँ 1 आ जाएगा और 5 बचेगा, कितना बचेगा 5, इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 8 16 5। जो रिमाइंडर होता है आपको पता है, जो रिमाइंडर होता है वो यहाँ आता है और जो रिमाइंडर जो होता है वो यहाँ आता है और जो जिससे डिवाइड करते हैं हम वो यहाँ आता है नंबर, ठीक है ओके। आपको सवाल समझा दिया गया है, इसके चीज़ डिस्कन करिएगा और जो क्वेश्चन आपको नंबर क्वेश्चन नंबर 2 3 4 एंड 5 करना है ओनली, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं करिएगा ओके। अल्लाह हाफिज़। कोई गलती हो तो माफ़ी।